हेलो, आप सबका स्वागत है। आज हम हेमिथ्रिन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जीव विज्ञान में धातुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इसके लिए लिपर्ड और बर्ग की किताब प्रिंसिपल ऑफ बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। खैर, हेमिथ्रिन एक बहुत ही आकर्षक मेटलो एंजाइम है। इसका मतलब इस एंजाइम में धातु है। स्तनधारियों में उदाहरण के लिए मनुष्य में रक्त होता है। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह एरोबिक प्रजातियां हैं। मतलब वह हवा को सांस में अंदर लेती हैं और वे हवा पर निर्भर करती हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कुछ अन्य एंजाइम भी जिम्मेदार होते हैं। अकशेरुकी तथा समुद्री अकशेरुकी जंतुओं में यह काम हेमिथ्रिन द्वारा किया जाता है। हेमिथ्रिन में आयरन के दो सेंटर होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हेमिथ्रिन में रिवर्सिबल डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग है। यह हेमिथ्रिन का अपघटित रूप है, जिसे डीऑक्सी हेमिथ्रिन भी कहते हैं। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है और इसके एक आयरन के पास 3 हिस्टिडाइन और दूसरे के पास 2 हिस्टिडाइन के मॉलिक्यूल हैं। जिन प्रजातियों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उनमें ऑक्सीजन को ले जाने के लिए यह डाई आयरन सेंटर ही जिम्मेदार होता है, जैसे मुख्य रूप से समुद्री अकशेरुकी प्रजातियों के लिए। जिन प्रजातियों में हेमिथ्रिन होता है, वे कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आयरन में 3 नाइट्रोजन या 3 हिस्टिडाइन कोऑर्डिनेशन में है और दूसरे आयरन में 2 हिस्टिडीन कोऑर्डिनेशन है। यह आपस में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट से जुड़े हैं, जो कि एक ब्रिजिंग कार्बोक्सिलेट लिंकेज है। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के अलावा इनके बीच हाइड्रोक्सी ब्रिजिंग भी है। यह क्रिस्टेलोग्राफी से कैरेक्टराइज किया गया इंटरमीडिएट है। तो अब हमें समझ आ गया है कि डीऑक्सी हेमिथ्रिन में क्या है। क्योंकि यह ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद यह एक नई स्पीशीज बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन का 2 बार अपचयन होता है। हर आयरन एक एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक पर ऑक्सो स्पीशीज बनाता है। सो, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। उसमें से एक माइनस यहां पर जुड़ा है और दूसरा जो इस हाइड्रोक्सो से प्रोटॉन लेता है, और इस पूरी प्रक्रिया में डाई आयरन 3 हाइड्रो पर ऑक्सो बनता है, जो अब एक नए म्यू ऑक्सो स्पीशीज से भी जुड़ा है। इस पूरी ऑक्सीजन बाइंडिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रक्रिया में एक प्रोटॉन कपल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यह पूरा प्रोटॉन का ट्रांसफर PCET प्रक्रिया द्वारा होता है और इस पूर्ण ऑक्सीकृत ऑक्सीहेमिथ्रिन डाई आयरन मॉलिक्यूल को रमन रेजोनेंस डेटा से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। रमन रेजोनेंस डेटा 844 वेव नंबर पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच दिखाता है। हम दूसरी स्लाइड में भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको अग्रिम रूप से इसका मतलब बता सकती हूँ कि यह एक हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज है। यह पर ऑक्सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच है, जो हमें 844 वेव नंबर पर मिलता है। रमन रेजोनेंस भी यह बताता है कि यह 886 वेव नंबर पर आयरन ऑक्सो आयरन सिमेट्रिक स्ट्रेच है और यह 757 वेव नंबर पर आयरन ऑक्सो आयरन एसिमेट्रिक स्ट्रेच है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यह समुद्री अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है और यह हेमिथ्रिन की डी ऑक्सी फॉर्म है, जो कलरलेस है, और यह डाई आयरन 2 स्पीशीज है, जो ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और हाइड्रोक्सो से जुड़ी हुई है। ऑक्सीहेमिथ्रिन जब ऑक्सीजन से जुड़ती है, तो इससे बने इस ऑक्सीहेमिथ्रिन स्पीशीज में दोनों आयरन +3
ऑक्सीकरण अवस्था में होता है और तब यह लाल रंग की होती है। तो इस प्रकार से एक रंगविहीन स्पीशीज का ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से लाल रंग में बदल जाने जैसा है और हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक मध्यवर्ती हो सकता है जो आयरन 2 या आयरन 3 हो सकता है और जिसे सेमी मेट हेमेथ्रिन भी कह सकते हैं और यह निष्क्रिय होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि हेमेथ्रिन बहुत सारी प्रजातियों में मुख्य रूप से समुद्री अकशेरुकी जीवों में एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब इनका रक्त हमारी तरह हीमोग्लोबिन से बना नहीं होता है। अब यह स्पीशीज बाकी सामान्य ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह ऑक्सीजन को लेती है, लेकिन यह ऑक्सीजन बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है, मतलब यह डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म के बीच आसानी से प्रतिवर्ती होती है। यह थोड़ा सा पेचीदा लगता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग के दौरान यह दो बार अपघटित होकर पर ऑक्सो में बदलता है, बल्कि साथ साथ ही इसमें कपल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी होती है। यह यौगिक वास्तव में अचंभित करने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एक तरफ 3 हिस्टिडाइन और दूसरी तरफ 2 हिस्टिडाइन के मॉलिक्यूल हैं। सो इस वाले आयरन सेंटर पर ही ऑक्सीजन बाइंडिंग हो सकती है, दूसरे वाले आयरन सेंटर पर नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति ने इसे पूर्णता के साथ डिजाइन किया है ताकि सब कुछ जितना हो सके उतना स्थिर रहे और ऑक्सीजन का सूक्ष्म परिवहन या ऑक्सीजन बाइंडिंग केवल एक ही आयरन सेंटर पर हो सके। चलिए अब कुछ ऑक्सीजन व्युत्पन्न स्पीशीज के लिए रमन रेजोनेंस डेटा देखें। अगर हवा से ऑक्सीजन ली जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच 1580 वेव नंबर पर आता है, लेकिन अगर यह ऑक्सीजन की ऑक्सीकृत फॉर्म पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच 1580 से बढ़कर 1905 वेव नंबर पर आता है। साथ ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी भी 1.21 एंगस्ट्रॉम से 1.12 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, लेकिन यदि ऑक्सीजन का अपचयन एक इलेक्ट्रॉन से हो, जिसे सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं, तब यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच नीचे 1097 वेव नंबर पर आ जाता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से इसका अपचयन होता है। अगर यह दो इलेक्ट्रॉन से अपघटित होता है तो यह स्पीशीज पर ऑक्सो या पर ऑक्साइड कहलाती है, यह एक सुपर ऑक्सो है। इस पर ऑक्साइड स्पीशीज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच फिर से कम होकर 800 वेव नंबर पर आ जाता है। यह वेव नंबर थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं वेव नंबर में लगभग 300 नंबर का अंतर है। वास्तव में यह धातु के साथ लगे लिगेंड के अनुसार भी बदल सकता है, फिर भी यह एक प्रजाति विशेष के लिए बहुत ही विशेष होगी, चाहे वह एक सुपर ऑक्सो या पर ऑक्सो हो। यह इन ऑक्सीजन जनित यौगिकों का स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट है और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच लगभग 1.49 एंगस्ट्रॉम तक हो जाता है। आपको याद होगा कि ऑक्सीहेमेथ्रिन के केस में ऑक्सीजन स्ट्रेच 844 वेव नंबर पर आता है, मतलब 844 वेव नंबर ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच का है, और अगर आप इसे मैच करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नेचर में पर ऑक्साइड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन एक सुपर ऑक्सो प्रारूप में बंधा है और आप देख सकते हैं कि सुपर ऑक्सो स्ट्रेचिंग के लिए प्राप्त वैल्यू इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से काफी मेल खा रही है। 1097 स्टैंडर्ड है और 1105 ऑब्जर्व वैल्यू है।
तो इसको बहुत ही आसानी से उपलब्ध उपकरण के रूप में किसी भी प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती की पहचान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने हेमेथ्रिन, इसके ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और यहाँ तक कि हेमोसाइनिन आदि में देखे हैं। कई अलग अलग ऑक्सीजन युक्त प्रजातियों को अनुनाद रमन स्पेक्ट्रल डेटा द्वारा बहुत आसानी से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास पहले के अध्ययन है जो यह बताते हैं कि यह एक क्रिस्टल संरचना है। यह कहीं 1980 का है, मैं इसका संदर्भ देना भूल गई। सो यह एजिडोमेथेमिथ्रिन है। अब इस मामले में जैसा कि आप देखते हैं कि दो हिस्टिडाइन वहां था और यह खाली कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्सीजन से जुड़ी है, लेकिन जब तक यह संरचना हमें नहीं पता थी उससे पहले इस संरचना को एक एजिडो बाइंडिंग समूह के साथ रिपोर्ट किया गया था और बाद में इस तरह की या एसिटोनाइट्राइल या ओटीएफ के साथ समान स्पेशीज या इसी तरह की अन्य स्पेशीज का भी पता चला। तो इस खाली कोऑर्डिनेशन साइट को आसानी से जांचा जा सकता है और यहाँ पर तीन हिस्टिडीन मॉलिक्यूल देखे जा सकते हैं और साथ ही ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बाइंडिंग के साथ साथ हाइड्रोक्सी बाइंडिंग है। यह प्रोटीन का एक निष्क्रिय रूप है। तो इस प्रोटीन क्रिस्टल संरचना में एक म्यू ऑक्सो डाई आयरन 3 कोर होता है। यह कृत्रिम रूप से एजिडो आयन का ऑक्सीकरण करता है। यह एजिडो आयन ऑक्सीहेमेथ्रिन में हाइड्रो पर ऑक्सो आयन के स्थान पर आ जाता है और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इस जगह पर यह एजिडो से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोपरॉक्सो वहां नहीं है, इसलिए एजिडो यहां एजिडो एनायन से जुड़ा हुआ है और ये प्रारंभिक क्रिस्टल संरचना है जो स्पष्ट रूप से इन डाई आयरन केंद्र की कैरेक्टरिस्टिक कोर दिखा रही है। यहां पर इस मामले में दो आयरन के केंद्र के बीच एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन एक्सचेंज होता है। दो उच्च स्पिन आयरन 3 सेंटर इस ऑक्सो पुल के माध्यम से अपने स्पिन का आदान प्रदान करते हैं। तो ये प्रारंभिक अध्ययन है, लेकिन रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव बाइंडिंग और हेमेथ्रिन के कोर के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे कई अध्ययन हैं जो इस तरह के एजिडोमेटिमोहेमेथ्रिन की संरचना की मिमिक करने के लिए किए जाते हैं। तो यह 1983 की रिपोर्ट के अनुसार इस आयरन पर 3 हिस्टिडीन और दूसरे आयरन पर 2 हिस्टिडीन के साथ साथ एक एजिडो समूह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर दोनों आयरन के बीच सिंगल म्यू ऑक्सो ब्रिजिंग है। अब ऐसी प्रजातियों की मिमिक करने के लिए वैज्ञानिकों या सिंथेटिक रसायनज्ञ ने लंबे समय तक काम किया है और काफी सफलतापूर्वक इन प्रजातियों के मॉडल को बना भी लिया है। पूर्व प्रयासों में डाई आयरन मॉलिक्यूल को संश्लेषित करने के लिए ट्रिसप्राजोलिबोरेट लिगेंड का उपयोग किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दो आयरन के केंद्र के बीच में यह एसीटेट बाध्य मध्यवर्ती ब्रिज के साथ साथ यह ऑक्सो ब्रिज भी है, लेकिन यहाँ पर वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट नहीं है। दोनों आयरन के केंद्र में आयरन के 3 केंद्र हैं। यह एक मॉडल अध्ययन या सिंथेटिक अध्ययन है, ठीक है, यह वास्तव में एंजाइम नहीं है। यह सिंथेटिक अध्ययन है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रत्येक आयरन के पास 3 नाइट्रोजन हैं और आपको याद होगा कि एंजाइम में एक तरफ 2 हिस्टिडीन या 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। इस तरह से यह मिमिक अध्ययन काफी रोमांचक है। हालांकि इस मामले में यह सही मिमिक नहीं है, लेकिन शुरुआती प्रयास भावी पीढ़ी को अध्ययन के लिए काफी प्रेरणा देते हैं और बाद में इस तरह की संरचना डीऑक्सी एंजाइम या डीऑक्सी हेमेथ्रिन संरचना से बिल्कुल मेल खाने में सक्षम होंगे। हम जल्द ही उन्हें देख सकेंगे।
यह 1991 की ऑक्सीहेमिथ्रिन की एक्सरे संरचना है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये दो आयरन सेंटर डीऑक्सी फॉर्म में हैं और यह हाइड्रोक्सो ब्रिजिंग भी यहाँ है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया या ऑक्सीजनेशन से हाइड्रो पर ऑक्सो मध्यवर्ती बनाता है और आप देख सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह हाइड्रो पर ऑक्सो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और मुझे आपको यह बताना होगा कि हेमिथ्रिन का आसानी से क्रिस्टलीकरण हो जाता है। यह उन एंजाइमों में से एक है जिन्हें काफी आसानी से क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है और इन क्रिस्टल संरचना को ऑक्सीजन बाध्य रूप से भी प्राप्त कर लेना काफी आश्चर्यजनक है। वैसे कई अध्ययन किए जा चुके हैं। यह एक अध्ययन है जो खुद प्रोफेसर स्टीव लिपर्ड समूह ने किया था और इन मामलों में हेमिथ्रिन मॉडलिंग के इस डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग केमिस्ट्री को किया गया है। एक चीज जिसका हमने पिछले मामले में भी उल्लेख किया था कि हालांकि यह ट्रिस प्राजो लिबोरेट मिमिक बहुत अच्छा था और इसका शुरुआती चरण प्रभावी था, लेकिन 3-हिस्टिडीन और 2-हिस्टिडीन मोटिफ के बजाय कई लिगेंड थे। यह 3-हिस्टिडीन मोटिफ या 3-नाइट्रोजन और 3-नाइट्रोजन मोटिफ था। आपको पता होना चाहिए कि हिस्टिडीन की हूबहू मिमिक करना आवश्यक नहीं है, आप पिरिडीन या इमिडाजोल भी ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप इन सभी अध्ययनों को एक जैसे हेटरो एटम के साथ किया जा सकता है। तो हिस्टिडीन में आयरन का नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन है। सिंथेटिक केमिस्ट किसी भी ऐसे लिगेंड को ले सकता है जिसमें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन हो, वह एरोमेटिक जैसे कि यह पिरिडीन नाइट्रोजन हो सकता है या यह एलिफेटिक नाइट्रोजन भी हो सकता है। यह कोई भी हो सकता है जैसे इमिडाजोल नाइट्रोजन जो हिस्टिडीन को काफी अच्छी तरह से मिमिक करता है। यह सिर्फ हिस्टिडीन तक सीमित नहीं है, कोई भी नाइट्रोजन युक्त लिगेंड को लिया जा सकता है, ठीक है। इन मामलों में इस तरह के यौगिक की एक श्रृंखला को संश्लेषित किया गया है और यह ध्यान रखना काफी दिलचस्प है कि शोधकर्ताओं ने 3-हिस्टिडीन की जगह प्रत्येक आयरन में 2 नाइट्रोजन को ले लिया है और इनमें से एक के पास OTF है और बाद में इस OTF कोऑर्डिनेशन को किसी अन्य नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन जैसे कि इमिडाजोल पाइरिडीन कोऑर्डिनेशन या एजिडो कोऑर्डिनेशन द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। OTF को विस्थापित करते समय किसी भी विलायक या अतिरिक्त मोनोडेंटेट लिगेंड को लिगेट किया जा सकता है, लेकिन दिलचस्प यह है कि कम तापमान पर किए गए ऑक्सीजन केमिस्ट्री से पता चलता है कि हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज को सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स में बनाया जा सकता है, ठीक है। सिंथेटिक मॉडलिंग एंजाइम को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। अगर यह पूर्ण रूप से सही है तो प्राकृतिक एंजाइम के डाटा का पूरी तरह से मेल खाएगा। अगर सिंथेटिक रसायनज्ञ मिमिक करने में पूर्ण सक्षम हो तो केमिस्ट्री को पूर्ण विस्तार के साथ और पूरी डिटेल में करना काफी रोमांचक होगा और इस तरह की समझ और क्षमता एक उत्प्रेरक संश्लेषण को जन्म दे सकती है और यह प्रक्रिया को समझने में सहायता करेगी। और साथ ही अगर एंजाइम अध्ययन कोई कमी भी हो तो वह इस सिंथेटिक मिमिक अध्ययनों से दूर की जा सकती है। इन मामलों में हालांकि एंजाइम अध्ययन काफी अच्छे से ज्ञात हैं, लेकिन कई मामलों में एंजाइम अध्ययनों का पता नहीं है। बहुत सारे मेटलो एंजाइम अध्ययन बहुत आसान नहीं है, इसलिए इस तरह के सिंथेटिक अध्ययन काफी रोमांचक हैं। आप यह जानकर बहुत उत्साहित होंगे कि मनुष्य इन हेमिथ्रिन को समझने और उनकी मिमिक करने में सक्षम हो गया है, ठीक है। अगर आप इन कंपाउंड्स के आंकड़ों पर गौर करें
जो एक आयरन हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज है, तो मॉसबेर, रमन अनुनाद, यूवी विज स्पेक्ट्रा सहित सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा लगभग जितना हो सके उतना मैच करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि ये अलग अलग बाइडेंटेट लिगेंड सिस्टम है जो आसानी से बाइडेंटेट लिगेंड से बनाए जा सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच 844 वेव नंबर पर है। आपको याद होगा कि यह पहले 842 था और अब यह 844 वेव नंबर है, लेकिन यह ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन को लेबल करना भी संभव है। यह सामान्य ऑक्सीजन है और यह O18 लेबल ऑक्सीजन। इसके कारण रमन अनुनाद स्पेक्ट्रा 844 वेव नंबर से 798 वेव नंबर पर शिफ्ट हो गया है। एंजाइम के मामले में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी विशेष होता है। तो यह एक ऐसा यौगिक है जहां इस तरह के लिगेंड और फिर एन मिथाइल इमिडाजोल जुड़ा हुआ है और हाइड्रो पर ऑक्सो स्पीशीज भी बनती है। यह रिपोर्ट प्रोफेसर स्टीव लिपर्ड द्वारा दी गई है। इसलिए मुझे आशा है कि आप मिमिक, सिंथेटिक मिमिक को समझ पाने में सक्षम हैं और इन एंजाइमों के अधिक से अधिक विवरणों को समझने में, साथ ही साथ एक मेटलो एंजाइम के प्रत्येक पहलू को समझने में यह काफी उपयोगी होने वाले हैं। जैसा कि यह प्रकृति में पूर्णता के साथ है, मेरे हिसाब से यह काफी अद्भुत है। तो आइए, अब तक हमने जो चर्चा की है हम उसका अवलोकन करने का प्रयास करें। हमने देखा है कि ये हेमिथ्रिन एक समुद्री अकशेरुकी का हिस्सा है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाई आयरन केंद्र है जो पूरी तरह से कई लिगेंड द्वारा जुड़ा हुआ है, एक एस्पार्टेट, एक ग्लूटामेट और एक हाइड्रोक्साइड। यह एक हेटेरो डाई आयरन कोर है। एक तरफ 3 हिस्टिडीन है, दूसरी तरफ 2 हिस्टिडीन है। जब यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इस दूसरे आयरन के इस वेकेंट पोजीशन पर ऑक्सीजन को बांधता है और एक पर ऑक्सो बनाता है। कोई भी पर ऑक्सो नहीं बल्कि यह केवल हाइड्रो पर ऑक्सो को ही बनाता है और यह बनने के दौरान एक प्रोटॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण भी होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच 844 वेव नंबर है। यह संख्या सिंथेटिक एनालॉग या सिंथेटिक मिमिक से मैच करती है, जहां यह आवश्यक नहीं कि 3 नाइट्रोजन हिस्टिडीन के हो, बल्कि लिगेंड के 3 नाइट्रोजन एंजाइम कोर के इस तरफ ही नहीं बल्कि इस बाई तरफ से भी 2 नाइट्रोजन, एक हाइड्रो पर ऑक्सो और यह ऑक्सो ब्रिज मिमिक करते हैं। इस तरह की संरचना पूरी तरह से मिमिक संरचना है। दशकों से इस एंजाइम को समझने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जब हम मान सकते हैं कि हम इसे थोड़ा विस्तार से समझ गए हैं, लेकिन 70 और 80 के दशक में यह काफी प्रारंभिक अवस्था में था, जो वर्षों और दशकों के बाद अब परिपक्व हो गया है। काफी दिलचस्प बात है कि, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ध्यान दिया होगा कि ये रमन अनुनाद इस प्रकार की प्रजातियों के लिए या इस तरह के मध्यवर्ती के कैरेक्टराइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मध्यवर्ती बहुत संवेदनशील हैं। ये अक्सर केवल कम तापमान वाले स्थिर मध्यवर्ती होते हैं। आप इन मध्यवर्ती को कमरे के सामान्य तापमान पर नहीं देख पाएंगे और यह मिमिक करने के लिए काफी अभूतपूर्व है और इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक को इन प्रजातियों की क्रिस्टल संरचना के साथ या इसके बिना कैरेक्टराइज करने के लिए एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्ट्रेच सही प्रजातियों को निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए अगर यह अपघटित होता है तो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी
और साथ ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास क्रिस्टल संरचना होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे मामलों में संभव नहीं है, और इसलिए इस प्रकार का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। बस एक रमन अनुनाद संरचना या रमन अनुनाद स्पेक्ट्रा आपको बता देगा कि वास्तव में क्या है। बेशक एक क्रिस्टल प्राप्त करना सही है, लेकिन इस तरह की प्रजातियों के लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि कम तापमान यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम और रमन अनुनाद, और यदि संभव हो तो लो टेम्परेचर ईपीआर और एनएमआर और मॉस बॉयर। उदाहरण के लिए यह मॉस बॉयर स्पेक्ट्रा है, जो विशेष रूप से यह बताता है कि यहाँ किस प्रकार की स्पिन अवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अलावा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक भी हैं। अगर आपके पास एक्सरे है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो XXAPS, XSAPS या इस तरह की विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, और इस प्रकार की प्रजातियों के इन मध्यवर्ती को पूर्ण रूप से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यह बहुत संवेदनशील और निश्चित रूप से काफी महंगा अध्ययन है, लेकिन फिर भी अब इसे नियमित रूप से किया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में विकास के कारण इन प्रजातियों का कैरेक्टराइजेशन अधिक विस्तार से हो पाया है। हमने अजाइडो बाउंड हेमिथ्रिन और इनके मिमिक के पहलू को देखा है कि लोगों ने कैसे और क्या किया है। इनमें से ऐसे कई अध्ययन हैं जो किए गए हैं, हम इसे सरल रूप में रखेंगे, इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। शुरुआती प्रयास काफी अच्छे थे, लेकिन पुनरावृत्ति डिजाइनिंग से इसका पता चला कि यह खाली कोऑर्डिनेशन साइट को मिमिक नहीं कर रहा था। यह क्रिस्टल संरचना हम पहले की ड्राइंग में देख चुके हैं, यह लिपर्ड समूह द्वारा किया गया अभूतपूर्व अध्ययन है, और जो हमने एंजाइम में देखा है यह उसको पूर्ण रूप से मिमिक करते हैं। इसके साथ मैं निष्कर्ष निकालती हूँ कि अब हम इन वर्णक्रमीय विशेषताओं को साथ ही इन एंजाइमों को अधिक से अधिक विस्तार से समझने देखने में सक्षम हैं। हेमिथ्रिन और अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन करते रहें, और हम अगली कक्षा में जल्द ही आपके पास लौटेंगे। धन्यवाद।